हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप वेट लॉस पोस्ट प्रेगनेंसी कैसे कर सकते हैं। टमी फैट मोस्टली जो होता है वो हमारी टमी फैट में जाके टमी एरिया में जाके जम जाता है और फिर उसको रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और आपको डाइट भी ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं है, वही आपको फॉलो करनी है या फिर डाइट में आपको कुछ लूज़ करना है। हम डाइट्स में सब कुछ लेंगे लेकिन कितनी क्वांटिटी में लेना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। और एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि हम करने वाले हैं और वो एक सिंपल एक्सरसाइज जो है वो टमी फैट रिड्यूस करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं भी सिर्फ उसी एक्सरसाइज को करती हूँ और उसके अलावा मेरे पास ऐसा जितना कुछ टाइम नहीं होता है कि मैं अदर एक्सरसाइज भी फॉलो कर पाऊँ। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज अपने साथ पार्क में। तो वो रहा मेरे सामने पार्क और हम चलते हैं नीचे। और तो आज हम आ गए हैं पार्क में और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अब हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो फॉलो करनी है। आज तो यान भी जल्दी जा गया है, वो भी मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा है, इधर उधर भाग रहा है तो मुझे उसको भी पकड़ना पड़ रहा है। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको वॉकिंग करनी है, तो ये भी एक मेरी एक्सरसाइज ही है कि मैं इसके साथ वॉकिंग करती रहती हूँ और इधर उधर घूमती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि इसका भी इन्जॉयमेंट हो जाता है और मेरी भी वॉकिंग हो जाती है और इसको भी मैं अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। तो बस मैं इस तरीके से कुछ वॉकिंग करूँगी इस पार्क के, मैं जो है 2-3 राउंड्स लगाती हूँ। ये देख रहे हैं आप मेरे सामने की पार्क कितना बड़ा है। तो मैं इसकी वैसे तो मैं वॉकिंग बहुत स्पीड में करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जो वॉकिंग है वो हमें स्पीड में ही करनी चाहिए। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। बट हाँ, मुझे श्योर है कि मतलब जो न्यू जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए जस्ट रनिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप रनिंग की जगह पे आप जो है वॉकिंग कर सकते हैं। और मैं अब आपको वो एक्सरसाइज करके बताने वाली हूँ जो हम बात कर रहे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे सामने पार्क है तो मैं पार्क भी आ जाती हूँ कभी कभी। और जब मेरे पास पार्क मतलब जब मेरे जब मैं अपने नेटिव प्लेस थी तब वहाँ पार्क नहीं था, तो डेफिनेटली वहाँ जो है मैंने अपना बेड पे भी कर लेती थी और मैं फ्लोर पे भी कर लेती थी, क्योंकि ये सिंपल क्रंचेज है, हमें ऐसा हार्ड रूल नहीं होता और मॉम्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मॉम्स मतलब स्पेसिफिक टाइम निकाल के ही जाए एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि मॉम्स जो है कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। जो चलिए मैं आपको फटाफट से करके दिखाती हूँ। तो हम क्रंचेस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में डेफिनेटली जो है आपको क्रंचेस करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मे बी आप हैबिचुअल नहीं होंगे। तो क्रंचेस करने का एक दूसरा भी वे है जो कि मैं बताने वाली हूँ, जो आपके लिए मे बी ईजी हो सकता है, क्योंकि आप जब बिगनर्स हैं तो डेफिनेटली आपके लिए क्रंचेस करना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्रंचेस की जगह पर अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको फ्लोर पर स्ट्रेट लेटना है, ओके, एंड देन अपने हैंड्स दोनों जो है पीछे रखना है और इस तरीके से आपको अपने नीज पे अपना जो है हेड टच करना है, ओके, तो हमें इस तरीके से लेटना है एंड देन इस तरीके से ये पैर हमारी जो है फूट जो है हमारे नहीं उठना चाहिए, ये फूट जो है हमारे इधर ही प्लेस होना चाहिए, फ्लोर पर ही प्लेस होना चाहिए, फ्लोर पर ही टच रहना चाहिए। मैं अब आपको क्रंचेस करके बताने वाली हूँ। तो आपके दोनों हैंड्स जो है वो पीछे रहने वाले हैं इस तरीके से एंड देन वन टू थ्री। तो स्टार्टिंग में जो है आपको वो 10 क्रंचेस लगाने हैं और 10 क्रंचेस लगाने के बाद में आप अपने क्रंचेस जो है इंक्रीज कर सकते हैं, बट 10 जो है आपको मिनिमम क्रंचेस जो है लगाने हैं तब भी गाइस जो है इसका इफेक्टिव आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हमारी इस पोर्शन में जो हमारा एक्स्ट्रा फैट जम जाता है उसको रिड्यूस करती है।
तो उस एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से जो है खड़ा होना है, ओके, और अपने हैंड्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ये ठीक है, एंड देन फिर इस तरीके से, तो यही हमें जो एक्सरसाइज है इसको हमें करना है, जितनी देर तक आप कर सकती हैं, लेकिन ट्राई करें कि इसको हम करें 10-20 टाइम्स तक, और जितना आप बेंड कर सकते हैं आप उतना बेंड करने की कोशिश कीजिए। तो जितना आप बेंड करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा फैट है वो यहाँ पे जो है स्टक नहीं होगा, ये रिड्यूस होगा इस तरीके से, ओके। और उसके बाद में आप जंप कर सकते हैं, लाइक जंपिंग भी इजी है, जंपिंग भी कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने पार्क ही आना है या फिर आपको कहीं आउटडोर प्लेस पे जाना है। जंप इस तरीके से, आप मेरा मानना है कि इस तरीके से करने से जंप से मेरे हैंड जब गोल होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं रस्सी कूद रही हूँ। तो इस तरीके से आप जो है जंप कर सकते हैं, तो इसको भी हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो जंपिंग करनी है वो 50 टाइम्स तक करनी है। बस ये थी आज की एक्सरसाइजेस। अब हम मैं बताने वाली हूँ कि आपने डाइट प्लान में क्या फॉलो करना है। आपको अपने डाइट्स में जो सबसे पहला मॉर्निंग में हो कि आपको जो है गर्म पानी पीना है, मतलब इतना गर्म भी नहीं, उतना पीना है कि जितना आप पी सकते हैं। और अगर आपका फैट ज़्यादा है तो आप उसमें जो है लेमन के कुछ ड्रॉप्स ले सकते हैं, लाइक हाफ लेमन आप उसमें डाल सकते हैं। सेकंड है, हमें ब्रेकफास्ट में हमें हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपने खाना है। और आप चाय जो है, मैं बोलूँगी अगर आप चाय पीते हैं तो आप कम मीठी पीजिए, क्योंकि मीठा खाने से भी है जो है फैट जमा होता है बॉडी में, तो आपने मीठा कम खाना है। मीठा आप खा सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपने मीठा नहीं खाना है, मीठा आप खा सकते हो, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो उसको कम खाना है, ओके। और आप अपने फ्रूट्स ले सकते हो दिन में, और कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हो, कोई भी स्नैक्स ले सकते हो। मैं तो स्नैक्स में कुछ भी ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरे को ये ही स्नैक्स लेने हैं, मैं तो सब कुछ खाती हूँ, लाइक मैं तो नमकीन वगैरह भी खा लेती हूँ, ठीक है। तो आपने स्नैक्स लेना है, और डिनर में जो भी खाना है आप खाइए, ईजिली खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपको लगे कि मेरा आप पेट भरने वाला है, मतलब एकदम फुल पेट आपने नहीं खाना है खाना, जब आपको लगे कि आपका पेट भरने वाला है, ओके, जैसे कि अभी आप 4 चपातीस खाते थे, अब आप उसकी जगह पे 2 चपाती खा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा जो टाइप ध्यान में रखना है, बाकी की चीज़ें तो अगर आप ये क्रंचीज वगैरह करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वेट रिड्यूस करना। और जो खाना खाने के बाद में, तो आपको खाना खाने के जस्ट बाद में वाटर नहीं पीना है, और जस्ट पहले वाटर नहीं पीना है, क्योंकि जो डाइजेस्ट करने का जो फंक्शन होता है हमारे स्टमक में, वो हम डायरेक्ट वाटर पीने से जो है वो स्लो हो जाता है, इसलिए जो खाना है हमारा जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आप जो पानी पीना है वो आप 30-40 मिनट्स के ब्रेक में जो है आप वाटर पी सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप जो है अपना फैट जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने अभी अपने बेबी को बर्थ दिया है तो आपने सिर्फ और सिर्फ पूरे डे में वार्म वाटर ही पीना है, वो है अजवाइन और जीरे का पानी पीना है। तो आप अजवाइन और जीरे का पानी अच्छे से बॉईल कर लीजिए, ओके, और फिर उसको किसी भी बर्तन में जो है स्टोर करके रखिए, जो कि मतलब इस तरीके लाइक कैंपर्स वगैरह होते हैं, तो आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जहाँ की जो वाटर है वो गर्म रहे, और आपको उस टाइम पे गर्म वाटर भी पीना है, अगर आपने लाइक 6 मंथ्स तक, और 6 मंथ्स तक तो डेफिनेटली जो है डाइट्स आपका रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप फीडिंग कराते हैं, आप एक फीडिंग मदर हैं, तो आपको अच्छे से अपनी प्रॉपरली डाइट्स लेनी है। अगर आप अपने बच्चे को स्मार्ट करा रहे हैं तो
बस ये है कि आपको टाइम पे क्रंचेस एक्सरसाइज इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। आप अपनी कीजिए क्योंकि आप एक फीडिंग मदर हो, लेकिन आपको अपनी एक्सरसाइज पे जरूर फोकस करना है कि आप क्रंचेस कर सकते हो, इधर उधर जंप कर सकते हो, आप स्ट्रेचेस कर सकते हो अपनी बॉडी को। तो इससे ये क्या होगा, आपको फैट जो है एक जगह स्टक नहीं होगा और आपकी बॉडी अच्छे से एक्टिव रहेगी और फैट भी जो है आपका रिड्यूस होता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस तरीके की अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। और ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट भी करता है कि आगे की वीडियोस बनाने के लिए। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है नित्या नॉल स्टफ, तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे सब काइंड की वीडियो जो है मैं यहाँ पे डालती रहती हूँ, एजुकेशन रिलेटेड और अदर थिंग्स से भी रिलेटेड मैं यहाँ पे अपनी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस पे होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उस पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।